नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने के शौकीन हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। जी हां, बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 रुपये और चांदी 6,400 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है और इससे भाव में ये गिरावट आई है। बता दें आपको कि बजट के 2 दिन के बाद यानी 25 जुलाई को सोना 974 रुपये गिर करके अब 68,177 रुपये पर आ गया है और सोना चांदी के भाव में आज यानी कि शुक्रवार के दिन 26 जुलाई को थोड़ी और गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को जब मार्केट खुलते ही सोने के दाम में 158 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं कि आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 68,069 प्रति 10 ग्राम है। चांदी के दाम में भी आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। चांदी का रेट आज 338 रुपये की गिरावट चांदी के रेट में देखने को मिली है, जो कि 999 शुद्धता वाले 1 किलोग्राम चांदी का रेट 81,136 रुपये है। बता दें आपको कि कमोडिटी एक्सपर्ट के अनुसार इस बार बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 15% से घटकर 6% कर दी गई है। इससे इसकी कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में सोने की मांग और तेजी से बढ़ेगी, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी सोने और चांदी में गिरावट भले हुई हो, लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ दिन अगर सोना गिरा तो फिर ये कवर कर लेगा। अमेरिका में चुनाव और वैश्विक तनाव को देखते हुए सोना और चांदी के दाम अधिक नहीं गिरेंगे, इसकी भी बात कह दी गई है। यह खरीदारियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। जो सोना चांदी के काफ़ी शौकीन हैं, पहनना पसंद करते हैं सोना चांदी, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब सोना और चांदी के जो दाम है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और आज क्योंकि 26 जुलाई के दिन और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप भी सोना चांदी पहनना चाहते हैं या पहनने के शौकीन हैं या फिर रखना चाहते हैं खरीद करके भी एक संपत्ति के तौर पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जा करके आज के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं। इसमें आपको पैसे भी कम देने होंगे और आप सोना और चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि आज फिर से सोना और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के दाम में ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो उन सारी ही ग्राहक के लिए, उन लोगों के लिए जो सोना चांदी पहनते हैं या सोना चांदी खरीद के रखना चाहते हैं अपने पास, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आज के दिन जाकर के आप सोना और चांदी खरीद सकते हैं। हालांकि जब से बजट पेश हुआ है और सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है, तब से देखा जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप पर काफ़ी भीड़ भी देखी जा रही है। ज्वेलरी शॉप दुकानदारों का ये कहना है कि काफ़ी लोग सोना चांदी के लिए खरीदने के लिए आ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी खरीदारी कर सके। और आने वाले वक्त में ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा दाम कम नहीं होंगे, आने वाले वक्त में इसके दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार सोना और चांदी के दाम में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। लेकिन क्योंकि कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है, इससे टैक्स में ज़रूर आम लोगों को छूट मिल रही है, जिससे कि सोना चांदी खरीदना अब आम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।